बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम गुड एंड आई होप दैट ऑल यू आर गोइंग टू गुड इन योर होम्स बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। टुडे वी हैव टू स्टडी आवर 3 क्लास इंग्लिश लेसन। पेज नंबर इज 1 to 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। द यूनिट नंबर इज 11। टॉपिक इज द पॉड दैट डाइड। तो ये आपका सबक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। नसीरुद्दीन वाइफ, ऑलराइट, I shan't complain anymore। अब इसका जो पहला करेक्टर है वो नसीरुद्दीन की बीवी, वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में कोई शिकायत नहीं करूंगी। You show me how to cook meat without a pot to put it in। तुम मुझे दिखाओ कि किस तरह बगैर बर्तन के कोई भी गिज़ा पकाई जा सकती है। अब नसीरुद्दीन, alright, I'll get you a pot। Okay, अच्छा मैं तुम्हें एक बर्तन देता हूं। नाउ लेट सी, आओ अब देखते हैं, हु विल हैव अ बिग पॉट इनफ फॉर दिस, कि अब किसके पास इसके लिए बड़ा बर्तन है। नसीरुद्दीन वाइफ, आवर नेबर हबीबुल्लाह इज श्योर टू हैव वन। हमारा जो हमसाया है हबीबुल्लाह, उसके पास यकीनन बड़ा बर्तन होगा। अब ये जो इसका जो लास्ट लेक्चर था वो हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल के इस क्लास 3 के पोर्शन में पढ़ा हुआ है, वहां पे आप जाके इसको जो मैडम ने जो रीस्टैंड दिया था, इससे आगे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये जो सिचुएशन इसमें नजर आ रही है वो ये कि जो अब नसीरुद्दीन और उसकी जो बीवी है वो अपने घर एक बड़ी दावत होने जा रही है, और उस दावत के लिए उनको एक बड़ा बर्तन चाहिए। तो वो अब कहता है कि जो उसकी बीवी कहती है कि हमारे हमसाया जो हबीबुल्लाह, उसके पास इतना बड़ा बर्तन यकीनन होगा। हिज वाइफ ऑलवेज बूस्ट अबाउट द बिग फीस दे हैव, उसकी वो कहती है इसलिए मुझे लगता है कि उसके क्योंकि उसकी बीवी हमेशा वो जो बड़ी बड़ी दावतें करते हैं उसके बारे में वो अक्सर बूस्ट अप करती है, शेखी बिखारती रहती है। दे विल हैव बिग पोर्स फॉर श्योर, उनके पास यकीनन बड़ा बर्तन होगा। नसीरुद्दीन, आई विल गो ओवर टू हबीबुल्लाह हाउस एंड आस्क इफ आई कैन बोरो हिज बिग कुकिंग पॉट। अच्छा चले मैं हबीबुल्लाह के घर जाता हूं और देखता हूं कि अगर मुझे वहां पर कोई बड़ा पकाने के लिए बर्तन उधार मिल सकता है। नसीरुद्दीन वाइफ, नसीरुद्दीन की बीवी, यू डू दैट, तुम ऐसा करो। आई विल गेट द वेजिटेबल रेडी, मैं तब तक सब्जियां जो है वो तैयार करती हूँ। नसीरुद्दीन गोज आउट, आफ्टर अ व्हाइल ही कम्स इन कैरिंग अ लार्ज कुकिंग पॉट। नसीरुद्दीन बाहर जाता है और कुछ लम्हे बाद वो एक बड़ा पकाने वाला बर्तन उठाए हुए आता है। ही गिव्स इट टू हिज वाइफ, वो ये इसे अपनी बीवी को देता है। शी टेक्स इट एंड गोज इन टू द किचन, वो बड़ा बर्तन उसे पकड़ती है और बोर्ची खाने में चली जाती है। तो आज का जो हमारा लेसन वो यहीं तक था। जो इसकी रीडिंग करनी है, जो अब इसके वर्ड मीनिंग है, वो सबसे पहला वर्ड मीनिंग है कंप्लेन, शिकायत करना, मीट गोश्त, इनफ काफी, बड़ा फीस्ट दावत, बोरो उधार लेना, ब्रिंग लाना, एंड डाइड मरना। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग थे। तो आप इसको घर में जरूर इसको रीड भी कीजिएगा, इसके वर्ड मीनिंग भी याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।